बसंत बहार की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाधे ने एंड प्रोड्यूस्ड बाय आर चंद्रा। फिल्म की कहानी लिखी राजेंद्र सिंह बेदी ने, फिल्म का म्यूजिक दिया शंकर जयकिशन, गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने। फिल्म के कलाकार थे भारत भूषण निम्मी। शंकर जयकिशन वाले शंकर जी ने दादा को बुलाया और कहा, मुन्ना बाबू इस फिल्म में एक कॉम्पिटिशन वाला गीत है जिसे आपको गाना है। आपको गाना है भारत भूषण जी के लिए जो हीरो हैं, और दूसरे उस्ताद के लिए गा रहे हैं, बोलिए कौन? पंडित भीमसेन जोशी। जी, भीमसेन जोशी का नाम सुनते ही मन्ना डा के कान खड़े हो गए और पैर ठंडे हो गए। इस पर शंकर जी ने कहा, सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि उस कंपटीशन में भीमसेन जोशी को हराना भी है, क्योंकि आप इस फिल्म में हीरो की आवाज है और फिल्म में तो हीरो जीतता है। दादा ने कहा, देखो भाई ये गलत है, मैं किसी भी हिसाब से गायकी में भीमसेन जोशी को हरा नहीं सकता हूं, मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। घर आए और उन्होंने सुलोचना आंटी से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम 10-15 दिन के लिए बंबई से बाहर चले जाते हैं। ये सुनकर सुलोचना आंटी ने, मन्ना दा की पत्नी ने कहा कि शंकर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, आप हीरो के लिए गा रहे हैं तो आपको जीतना ही पड़ेगा, आप अपना काम पूरे मन से कीजिए, भूल जाइए कि आपके सामने पंडित भीमसेन जोशी गा रहे हैं, आप तो याद रखिए कि आप हीरो के लिए गा रहे हैं और आपको सामने वाले को हराना है। और मन्ना दा का हौसला बढ़ाती गई और उसी दिन से उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब के साथ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और शंकर जी को कहा, एक महीने के बाद मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। टेक के बाद भीमसेन जोशी ने हाथ मिलाया और कहा, मन्ना बाबू आप तो खुद इतना बढ़िया तैयार गाते हो, क्लासिकल भी इतना बढ़िया गा रहे हो, अब आपको शास्त्रीय गायन ही शुरू कर देना चाहिए। मन्ना दा ने कहा कि पंडित जी ये एक एक तान के ऊपर एक एक हफ्ते लगे रहना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो लाइट ही गाने दो। जो गीत है केत की गुलाब, जो ये भी शंकर जी की कंपोजिशन है, ये इस तरह की कंपोजिशन है कि मेरे जैसा कूढ़ और बेसुरा आदमी भी गाएगा तब भी गाना कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप समझे ना? सिद्ध गाने। हाँ, ये सिद्ध गाने सिद्ध जो है। देखो भाई मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अगर तेरी बात में दम है, तेरी दवाई में दम है, तो हम विश्वास करें या ना करें, तेरी दवाई में दम है तो मैं निरोगी हो जाऊंगा। अगर तेरी कंपोजिशन में दम है तो मैं कितना ही बेसुरा गाऊं, तेरी कंपोजिशन तो खिल के आएगी और मुझे साबित कर देगी कि मैं खराब हूं, कंपोजिशन खराब नहीं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।